जिम्मेदारी थी अपने ऊपर या कितना था कि यार? एक तो पहली पिक्चर, ऊपर से बोनी जी ने मुझे एक चीज बोली थी, खुला मैदान है बोलते जाइए, आई विल डी फेस यू इफ दिस फिल्म डजंट वर्क. आई डिडंट नो व्हाट वाज इट. आई विल डी फेस यू. सो जिम्मेदारी बहुत थी और बिकॉज इट्स माई फर्स्ट फिल्म एंड आई गॉट ब्रिलियंट एक्टर्स एंड ब्रिलियंट प्रोड्यूसर्स, तो मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं दी गई मुझे, तो सारा अभी दारोमदार मेरे सर पे ही है, मेरे कंधों पे ही है. सो दैट्स इट. एंड ट्रेलर देख के दिख भी रहा है कितनी मेहनत है, और वो सब पसंद आया सबको ट्रेलर? कमोन यार, इतना मेले में मजे लिए. हाँ, हाथ ऊपर उठा के, वेरी गुड. एक बार जोरदार तालियां हो जाए बिफोर वी टॉक टू मनोज जी. यहाँ पे मनोज जी आप बताएं, इससे पहले भी बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स किए, लेकिन यहाँ पे जो रोल है इसमें दिख रहा है वो जो एक असली विलन होता है बॉलीवुड का, वो निखर के आ रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे? वो जो एरा वापस आई है इस कैरेक्टर के साथ. आई डोंट नो विलन क्या होता है और हीरो क्या होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया. मुझे कैरेक्टर समझ में आता है, और मुझे जो है ये आदमी जैसा भी है बहुत ही रोमांटिक आदमी है, लेकिन उसमें गलत ये है कि खून भी करता है. उसको आप हटा दें अगर, तो ये जितना दिल से इस लड़की को चाहता है, शायद कोई उतने जुनून के हद तक चाहता है कि तभी वो किसी इतना पीछे जाता है कि चीज़ें और ख़तरनाक हो जाती हैं. इसलिए इसको करने में मुझे मज़ा आया. मैंने इसको नेगेटिव के तौर से कभी नहीं लिया. मैंने एक आदमी है जो मथुरा का आदमी है जिसका किसी लड़की पर दिल आया है, तो उसको मैंने उसको पूरे लवर बॉय के तरीके से ट्रीट किया है. अगर आपको डर लगता है तो ये आपकी खराबी है, उसमें कोई खराबी नहीं है भैया. थैंक यू. ऐसा गली मोहल्ले में अचानक से शूट किया गया, तो उस समय क्या क्या फैंस एकदम पागल हुए? सोनाक्षी हैं, अर्जुन हैं एंड पूरी टीम. कुछ मेरे को लग रहा है इसमें सीक्रेट है. को देख सकते हो, मैं सिर्फ एक चीज करना चाहती हूँ. ओके, इसके पीछे राज है आई एम श्योर. एंड व्हाट इज दैट? नहीं, आई मीन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लाइव लोकेशंस पर शूट करना, बट आई थिंक अमित शर्मा एक ऐसे डायरेक्टर है जो कि एक परफेक्शनिस्ट है. असलियत ये है कि ये है देसी कलाकार, इंटरनेशनल सुपरस्टार, तो जब हम इन शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है. वहाँ पे कोई खामोश नहीं होता है, सब चिल्लाने लगते हैं, ओ सोनाक्षी सिन्हा, ओ दबंग, ओ सोनाक्षी सिन्हा. तो वहाँ पे हम शूटिंग कैसे कर पाएंगे अगर सोनाक्षी सिन्हा हमारे साथ होगी तो प्रॉब्लम. बट हमने शूटिंग की और बहुत अच्छे से की, एंड नतीजा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर. जिस तरह से ये लोकेशंस उभर कर आए हैं इस फिल्म में, आई थिंक अगर कहीं और शूट किया होता तो शायद ये फिल्म उतना अच्छा नहीं दिखता. एंड हैट्स ऑफ टू अमित शर्मा. और मैं हालांकि जब शूट कर रहे थे तभी मुझे इनका कत्ल करना था, बट आई विल डू दैट अगेन 20 टाइम्स ओवर इफ आई हैव टू, इफ द फिल्म इज द रिजल्ट इज दिस. क्या बात है. मूविंग ऑन टू अर्जुन साहब, आप बताएं जरा कि तो ये प्यार तकरार तो चलती रहती है, लेकिन मेरे को जो पता लगा है कि साथ में स्कूल में थे आप लोग, और तब से लेके अब तक ये जो प्यारी दोस्ती थोड़ा. एक्चुअली सोनाक्षी इंडस्ट्री में आई इसीलिए थी ताकि इवेंचुअली मेरे साथ काम कर सके, तो आज उसका जो सपना पूरा हुआ है, वी जस्ट दिस होल फिल्म हैज कम टुगेदर ओनली फॉर दैट. सिर्फ यहीं पे ये बात आप लोगों को पता लगी है, एक्सक्लूसिव है. वो स्कूल से चाहती थी, उसकी दिल जैसे मेरा एक सपना पूरा हुआ, एक्चुअली ये सोनाक्षी का भी एक सपना था जो मैंने पूरा करवा दिया. Right. मैंने कहा ठीक है तुम मेरे साथ काम कर सकती हो. चलिए ठीक है, बहुत सारे लोगों के सपने. मेरी किस्मत चमकने वाली है, कोई शक. Ladies and gentlemen, presenting to you the entire cast and crew of the movie Tevar. Zordar taliya ho jaye ek bar. And now, jis pal ka aap log intezar kar rahe the, over to all you people. Jo bhi questions hain, prashn hain, unke uttar ke liye taiyar ho jaye. Kahan se shuru kar rahe hain? Sir, mic le lijiye sir. तरीके से देखने को मिले हैं. थैंक यू. पापा की फिल्म में किस तरह के तेवर होंगे, क्या अलग किया है वो जरा बताएंगे?
सर ये तो आप जिन्होंने ट्रेलर देखा है जो पिक्चर देखेंगे वो बता पाएंगे कि इस पर कौन से अलग अलग तेवर आपको पसंद आए या मैंने दर्शाए हैं. एज एन एक्टर आई हैव डन एवरी फिल्म द सेम वे. सो ये फिल्म भी आई इवेंचुअली सबमिटेड टू अमित एज अ डायरेक्टर. ये सोच के नहीं किया कि पापा की पिक्चर है तो ज़्यादा या कम करना है. एन एक्टर हैज़ टू हैव दैट इंटेग्रिटी कि हर रोल अच्छी तरह निभाए. ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बींग मेरा इमोशन इस पिक्चर में मैं नहा भी चाहूँ तब भी बहुत ज़्यादा है. Because it is something that I've looked forward to all my life, and I wanted to be worthy enough to do a film where I can make everybody in the family proud and take it to another level, hopefully. So, वो तो audience decide करेगी. आप सब जो देखोगे, वो decide करोगे. I have enjoyed the process like any other film, but I'm just little more attached to this film than I'll ever be with any other film. एक सवाल मनोज जी से पहले भी आपने negative role किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध commercial villain लग रहा है. या मतलब करेक्टर लग रहा है, विलन आप नहीं कहना चाहते, मतलब एक अलग सा मतलब कमर्शियल सा विलन लग रहा है. आप क्या कहेंगे इसमें? मैं क्या कहूँगा, आप देखोगे तो पता चलेगा. लेकिन ये जैसा मैंने अपने शुरुआती दौर में कहा है कि कैरेक्टर जो है ना ऐसा लगेगा जैसे मथुरा का है, उस जगह का है, एक इंसान है और इंसान में उसके बहुत सारी फितरत है. बहुत सारे लोग आपको थोड़े से ख़तरनाक होते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई गुस्से की हद ज़्यादा पार कर देते हैं. तो ये आदमी उस तरीके का है, बाहुबली आदमी है और बहुत अच्छे घराने से आता है मथुरा के. और लेकिन एक लड़की पर उसका दिल आता है और उस लड़की के पीछे ये पागल हो जाता है. पागल इस तरीके से नहीं होता है कि उसको नोच लिया, खसोट लिया, कभी उस तरीके का काम नहीं करता ये, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छे घराने से आता है, अच्छी नैतिकता है इसकी. तो उस लड़की को पाने के लिए ये किसी भी हद तक जाता है और उस बीच में जो ये लड़का आ जाता है, तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरे इंसानी तौर पे इसको देखने की कोशिश की है मैंने. उसको लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश नहीं की है जैसा कि अमूमन किया जाता है. मनोज अभी आपने एक डायलॉग बोला था, हरियाणवी का कुछ एक डायलॉग था, जाट मरे तब, तो हरियाणा से आपके किरदार का कोई संबंध है क्या? नहीं, आप वेस्टर्न यूपी का पूरा डेमोग्राफिक जानते होंगे, जाट वहाँ भी हैं और बहुत सारे हैं. उनकी जो लैंग्वेज है मिक्स है. तो अगर आप ये फिल्म में देखेंगे तो मथुरा का भी बहुत सारा प्रभाव है इस कैरेक्टर पे, उसकी ज़बान पे, और जाट है तो जाट वाला भी बहुत सारा प्रभाव है. तो दोनों को मिक्स करके मैंने इसको पूरा प्ले करने की कोशिश की है. आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा. Sonakshi, hi, you're on your right hand side. Yeah. Sonakshi, I would like to ask you that are you also excited? I can't see you. Where are you? On your right hand side. Yeah. All right. Mic DJ. There, okay. Somebody, there. Sir. There. So we'll come back to you. Sonakshi, we'll I have to ask you that are you excited because you also I think you need to singing. Speak a little louder. Sonakshi, you're also making your singing debut with this film. Are you excited for that? And Arjun, you were Sonakshi's schoolmate. So have you ever heard her sing? What are your comments on that? Wait, let me answer first. I was very excited. I've actually wanted to do this for a very long time. I'm a very good bathroom singer in my opinion, I feel. So I wanted to do this for a long time, but nobody gave me the opportunity because I think they probably must have heard me at some point of time and said that no, this is not happening. But Imran Khan came and did this song for us, and it's a wonderful song, very nice song. And he was on set actually, we were shooting the song, and he was like, there's a little part for a girl in there which needs to be sung. So I said, oh, which singer are you looking at? Generally asked him a question. He was like, no, you'll sing it. I was like, what? And then he's like, no, you'll sing it. I was like, are you sure? Then Amit really wanted me to sing it as well, and I guess I grabbed the opportunity. Yeah, and I had fun doing it. Yeah. Arjun, I have been very blessed. I didn't get to ever hear her sing before that. I'm very, very blessed that way, thank God. मुझे आज तक नहीं मौका मिला इनकी आवाज गाते हुए सुनने का. बहुत अच्छी बात है.